नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100% वर्किंग टू बेस्ट फास्ट लोन एप्लीकेशन, जिसमें मैं आपको जो दोनों एप्लीकेशन बताऊंगा, ये दोनों ही सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वर्क करते हैं। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट है, मतलब एक एप्लीकेशन के लो इंटरेस्ट रेट है। बाकी जो दूसरा एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और 30,000 रुपये तक का लोन केवल आपको KYC डॉक्यूमेंट पर मिल सकता है, यानी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको प्राप्त हो सकता है। तो कौन सी एप्लीकेशन है, ये आपको पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, एक मैं आप लोगों के लिए जरूरी बात और बता दूं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अलग अलग लोन एप्लीकेशन से बार बार लोन अप्लाई करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे भी आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, लोन लेने से पहले उसको चुकाने के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपने लोन समय पर नहीं चुकाया तो आपका सिविल स्कोर एम्पर होगा और भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके सिविल स्कोर में बहुत सारी अलग अलग इंक्वायरीज अपडेट हो जाएंगी, और उसके बाद जब भी आप कभी नया लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वो NBFC कंपनी को लगेगा कि पता नहीं कितनी जगह से इनका लोन रिजेक्ट हो चुका है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनके भाव पर एक NBFC कंपनी, एक बैंक डिसाइड करती है कि इस पर्सन को लोन देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो अपना सिविल स्कोर ख़राब ना करें। हमेशा जब भी आप लोन अप्लाई करें तो अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन में ही अप्लाई करें। जब आपको कहीं से लोन ना मिल रहा हो तभी इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का आपको यूज़ करना चाहिए और समय पर रीपेमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप, और इस एप्लीकेशन का मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पर खुद भी लोन ले रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। मेरे लिंक से अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे लोन अप्रूव होने के। चलिए, तो पहले अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लेकर चलता हूँ और फिर आपसे इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है और यहाँ पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है। 62 दिनों से लेकर 12 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर प्राप्त हो सकता है। लो प्रोसेसिंग फी है। APR की बात करूँ तो 60 से लेकर 154.8% यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये APR कम रहता तो ज़्यादा बेस्ट होता। खैर, तो ये जो एप्लीकेशन है, हालांकि वर्क जो करती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, इसका पूरा मतलब एक बोल सकता हूँ इंटरफेस ही हिसाब का डिज़ाइन किया गया है कि आप लोन अप्लाई करेंगे और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनकी NBFC कंपनीज के बारे में। तो इनकी NBFC कंपनी जो इनकी प्राइमरी है वो है ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तीसरी है ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, चौथी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पांचवी है विवृति कैपिटल लिमिटेड, छठी है नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड और लैंडबॉक्स, जिसको ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पर्सनल लोन 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का मिल सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, 24/7 एक्सेस है आपको पर्सनल लोन या मनी का। लो प्रोसेसिंग फी है, लॉन्ग टेन्योर है और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। हालांकि मैं उसको अट्रैक्टिव नहीं बोलूँगा क्योंकि APR यहाँ पर ज़्यादा चार्ज किया जाता है, अगर सामान में किसी और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो। बाकी अगर आपको अर्जेंट इमरजेंसी नीड है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आपको कुछ ही मिनटों में यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, पाइप गैस का बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, तो बहुत सारी अलग फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी जो है KYC कंप्लीट करने में आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। और यहाँ पर दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है कैश लोन, दूसरा होता है लेवल अप लोन। तो मैंने यहाँ पर लेवल अप लोन ले रखा है। ठीक है, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरी 3 EMI थी, मैंने जो है वो 2 EMI पे कर दी और 1 EMI मेरी फाइनल बची है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स ऑन ट्रू बैलेंस, तो कैश लोन 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक, प्रीपेमेंट टेन्योर जिसमें 3 से 12 महीने तक का मिल सकता है, मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 2.4% से स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेसिंग भी 0 से लेकर 15% तक चार्ज की जाती है, डिपेंड करेगा ऑन सिचुएशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड सच बैंक स्टेटमेंट मे बी रिक्वायर्ड, तो कैश लोन में रिक्वायर्ड हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेवल अप लोन की अगर बात करूँ तो मंथली इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 2.4% से स्टार्ट होता है, प्रोसेसिंग भी 0 से लेकर 15% तक चार्ज की जा सकती है। बाकी यहाँ पर अगर आप रीपेमेंट करेंगे टाइम पर तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा और आपको आगे ज़्यादा लिमिट यहाँ पर ऑफर की जा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेवल अप लोन का अमाउंट जो है बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पर 15,000 रुपये तक का मिलता था सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, अभी वो 30,000 रुपये तक का मिलता है। ठीक है,
वेलकम लोन 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का आपको प्राप्त हो सकता है, जिसमें रीपेमेंट टेन्योर की बात करूँ तो 62 दिनों से लेके 62 दिनों का आपको प्राप्त हो सकता है। मंथली इंटरेस्ट रेट 6% यहाँ पर चार्ज किया जाता है, बाकी प्रोसेसिंग फी 0 से लेकर 15% तक चार्ज की जा सकती है, बाकी एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू यूजर्स एंड यूजर्स कमिंग थ्रू रेफरल। ठीक है, तो अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करेंगे तो आपको ये वेलकम लोन मिलने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रेफरल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लोन मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं टू वेंडर्स है, कैसी मनी टैप, बाकी ट्रू बैलेंस का यहाँ पर वॉलेट है जो कि बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह के लिए काम आता है, बाकी ट्रांसफर कर सकते हैं आप वॉलेट से बैंक अकाउंट में मनी। खैर, तो मैं यहाँ पर एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये सभी डिटेल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरी जो तीसरी ईएमआई है ये मैंने अभी रिपेमेंट नहीं किया, मई 12 को करना है जो कि अभी आने वाली डेट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके, तो एक मैंने पेमेंट कराया 8,614 का 12 मार्च को, 12 अप्रैल को किया है 8,614 का। ठीक है, तो दो जो मैंने पेमेंट कर दिए हैं, और फाइनल ड्यू डेट है मई 12 जो कि 8,598 रुपये का मुझे पेमेंट करना है, तो 3 पेमेंट मुझे करने हैं, और मैंने शायद यहाँ से 25,000 रुपये का लोन लिया था। ठीक है, तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है और आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने लेवल अप लोन से लोन लिया था, कैश लोन से भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशन लोन एग्रीमेंट लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है लोन फ्रंट पर्सनल लोन ऐप, और यहाँ पर भी मुझे लिमिट प्राप्त हो रही है, या बोल सकता हूँ लोन प्राप्त हो रहा है। तो पहले फटाफट से बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड एक NBFC कंपनी है, उसी की ये एप्लीकेशन है, उसी के व्यापार पर वर्क करती है, और यहाँ पर जो इनके अदर लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और भावना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो लोन फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ये 100% कंप्लायंस है विद डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ RBI, तो मतलब RBI की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, एज जो है आपकी 23 साल से अधिक होनी चाहिए, गुड क्रेडिट स्कोर होना चाहिए अबव 600, स्टेबल इनकम होनी चाहिए अबव 15,000 पर मंथ। ठीक है, तो आपको चाहिए होगा एक सेल्फ पैन कार्ड चाहिए होगा, और एक गवर्नमेंट ID एज ए एड्रेस प्रूफ, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड दीजिएगा। बाकी यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, तो उनमें से भी आप चाहें तो कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहली प्रायोरिटी रखिए आप आधार कार्ड। ठीक है, तो सेल्फी पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, और 100% डिजिटल है, और यहाँ पर दो प्रकार के लोन है, एक है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, दूसरा है पर्सनल लोन फॉर सैलरी। तो पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी पर्सनल लोन की, जो कि आपको 30,000 रुपये तक का मिल सकता है केवल 5 मिनट में, जिसमें आपको 3 से 12 महीने तक का टेन्योर मिल सकता है। दूसरा लोन है पर्सनल लोन फॉर सैलरी, जिसमें आपसे एडिशनली इनकम प्रूफ लिया जा सकता है, 2,00,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है, 3 से 24 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर प्राप्त हो सकता है। यानी जो फ्लेक्सी पर्सनल लोन है 30,000 रुपये तक का, वो आपको 3 से 12 महीने तक के टेन्योर के साथ सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से प्राप्त हो सकता है। तो अब ओवरऑल लोन के अमाउंट की बात करें तो 1,500 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये, और लोन टेन्योर की बात करूँ तो 3 महीने से लेकर 24 महीने तक का आपको टेन्योर प्राप्त हो सकता है। इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 15.95% से 35.95% फिक्स पर एनम। इसके अलावा 1% से लेकर 7.5% जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी चार्ज की जाती है। APR की बात करूँ 17 से लेकर 70% तक आपके रिस्क प्रोफाइल पर बेस करेगा, और बाकी आप डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की एप्लीकेशन है, डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सदस्य है। ठीक है, तो बाकी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 08048126351 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं support@loanfront.in। वर्किंग जो आवर्स है इनके कस्टमर केयर के, वो है 9:30 AM to 6:30 PM मंडे टू सैटरडे। तो दोस्तों, ये डिटेल थी इस एप्लीकेशन के बारे में, आप इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको भी दिखाई दे सकता है, डिटेल्स वगैरह फैच हो रही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 12,000 का लोन, 10,000 का लोन, 9,000 का और 8,000 का, 50,000 का मिल रहा है। तो 12,000 के लोन का पहले बात समझ लीजिएगा, पहले एक लोन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप खुद से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो 4,243 और 4,242, ये 3 EMI में मुझे इसको पे करना है। ठीक है, 90 दिन का यहाँ पर मुझे रिपेमेंट टेन्योर मिल रहा है, जिसको मैं घटा बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो टोटल रिपेमेंट करना होगा 12,728 का, लोन अमाउंट यहाँ पर 12,000 का अगर मैं लेता हूँ तो। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो डिसबर्स होगा अमाउंट वो होगा 10,584, बाकी ये जो फीसेज वगैरह लगी हुई हैं ये सब डिडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से 10,000 का भी आप देख सकते हैं, इसमें मैं 62 दिनों का भी टेन्योर चूज़ कर सकता हूँ, 90 दिनों का भी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा सभी चार्जेस वगैरह, और 9,000 का लोन लूँगा तो इसमें भी मैं 62 दिनों का टेन्योर चूज़ कर सकता हूँ और 90 दिनों का भी। ठीक है, 8,000 का लेता हूँ तो यहाँ पर केवल 62 दिनों का मुझे टेन्योर मिलेगा, और बाकी 50,000 का लोन जो है वो लॉक है, तो मुझसे यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लिया गया। मैं चाहूँ तो इस लोन को 2 मिनट में अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोन मैं आपको लेकर दिखाता रहता हूँ,
तो मुझे फिलहाल लोन की नीड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आप बता ही दिया आपको कि आपको पढ़ लेना है, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर, अबाउट दिस एप्लीकेशन सेक्शन वगैरह, चाहे आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो। चलिए, तो आपको एक जरूरी बात मैं और बता दूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, मनी व्यू, किस्त जैसी एप्लीकेशन के लिंक प्रोवाइड करा दिए, मेरे लिंक से अगर आप वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।